जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के हर देश में सत्ता और ताकत के आधार पर कहीं राष्ट्रपति तो कहीं प्रधानमंत्री प्रमुख लीडर होते हैं। जैसे हमारे भारत में प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति दोनों में से प्रधानमंत्री मुख्य लीडर कहलाते हैं, ऐसे ही कुछ देशों में राष्ट्रपति मुख्य लीडर होते हैं। तो दुनिया के हर देश की सरकार अपने राष्ट्र प्रमुख यानी मुख्य लीडर को वेतन यानी सैलरी भी देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन लीडर को कितनी सैलरी मिलती है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बताएं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को कितनी सैलरी मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम दुनिया के 10 ऐसे देश जो अपने लीडर को सबसे ज़्यादा सैलरी देते हैं उसके बारे में बताएंगे कि सबसे ज़्यादा सैलरी किन किन लीडर को मिलती है, इसमें कौन से देश शामिल हैं और क्या इसमें हमारा भारत शामिल है या नहीं, और हमारे मोदी जी को कितनी सैलरी मिलती है वो सब, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस लिस्ट में हम सिर्फ उन्हीं देशों के लीडर की बात करेंगे जिन देशों में बकायदा इलेक्शन होते हैं और उसके बाद लीडर यानी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चुना जाता है वैसे देश। इस लिस्ट में वे देश नहीं है जिन देशों का लीडर या राजा या तानाशाह या कम्युनिस्ट नेता या फिर कोई महारानी हो, ऐसे देशों को इस लिस्ट में नहीं रखा है हमने, ठीक है। तो 10वें नंबर पर है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग यूरोप का एक छोटा सा देश है जो वर्ल्ड मैप में यहाँ पर आता है। इस देश में मुख्य लीडर उनके प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में उनके प्रधानमंत्री है जेवियर बेटल, ये उनकी इमेज है, जो साल 2013 से लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री पद पर तैनात है। तो लग्जमबर्ग की सरकार उनके प्रधानमंत्री जेवियर बेटल को सालाना 2,78,035 अमेरिकी डॉलर सैलरी देते हैं, यानी करीब 2,07,00,000 भारतीय रुपए। लग्जमबर्ग में प्रति व्यक्ति जीडीपी यानी पर कैपिटा इनकम 77,570 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 57,00,000 रुपए, मतलब देश के लोगों से करीब 4 गुना ज्यादा सैलरी उनके प्रधानमंत्री को दी जाती है। उसके बाद 9वें नंबर पर है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया भी यूरोप का एक देश है जो वर्ल्ड मैप में यहाँ पर आता है। इस देश में मुख्य लीडर उनके चांसलर होते हैं और वर्तमान में उनके चांसलर है सेबास्टियन कर्ज, ये इनकी इमेज है, जो साल 2020 से ऑस्ट्रिया के चांसलर के पद पर तैनात है। तो ऑस्ट्रिया की सरकार उनके चांसलर को सालाना 3,28,584 अमेरिकी डॉलर सैलरी देते हैं, यानी करीब 2,45,00,000 भारतीय रुपए। ऑस्ट्रिया में प्रति व्यक्ति जीडीपी 59,240 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 44,00,000 रुपए, मतलब देश के लोगों से करीब 6 गुना ज़्यादा सैलरी उनके चांसलर को दी जाती है। उसके बाद 8वें नंबर पर है मोरिटानिया। मोरिटानिया अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जो वर्ल्ड मैप में यहाँ पर आता है। इस देश में मुख्य लीडर उनके राष्ट्रपति होते हैं और वर्तमान में उनके राष्ट्रपति है मोहम्मद औलत गजोनी, ये उनकी इमेज है, से साल 2019 से मोरिटानिया के राष्ट्रपति पद पर तैनात है। तो मोरिटानिया की सरकार उनके राष्ट्रपति को सालाना 3,30,000 अमेरिकी डॉलर सैलरी देती है, यानी करीब 2,46,00,000 भारतीय रुपए। इस देश में प्रति व्यक्ति जीडीपी सिर्फ 5,360 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 4,00,000 रुपए, मतलब देश के लोगों से करीब 61 गुना ज़्यादा सैलरी इनके राष्ट्रपति को दी जाती है। उसके बाद 7वें नंबर पर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो समुद्र में दूर एक छोटा सा देश है जो वर्ल्ड मैप में यहाँ पर आता है। इस देश में मुख्य लीडर उनके प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में उनके प्रधानमंत्री है जेसिंडा अर्डन, ये उनकी इमेज है, जो साल 2017 से न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पद पर तैनात है। तो न्यूजीलैंड की सरकार उनके प्रधानमंत्री को सालाना 3,39,862 अमेरिकी डॉलर सैलरी देती है, यानी करीब 2,53,00,000 भारतीय रुपए। इस देश में प्रति व्यक्ति जीडीपी 42,710 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 31,00,000 रुपए, मतलब देश के लोगों से करीब 8 गुना ज़्यादा सैलरी इनके प्रधानमंत्री को दी जाती है। उसके बाद 6वें नंबर पर है जर्मनी। जर्मनी भी यूरोप का एक देश है जो वर्ल्ड मैप में यहाँ पर आता है।
इस देश में मुख्य लीडर उनके चांसलर होते हैं और वर्तमान में उनके चांसलर एंजेला मर्केल है, ये उनकी इमेज है जो साल 2005 से जर्मनी के चांसलर के पद पर तैनात है। तो जर्मनी की सरकार उनके चांसलर को सालाना 3,69,727 अमेरिकी डॉलर सैलरी देती है, यानी करीब 2,75,00,000 भारतीय रुपए। जर्मनी में प्रति व्यक्ति GDP 57,810 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 43,00,000 भारतीय रुपए। मतलब देश के लोगों से करीब 6 गुना ज्यादा सैलरी उनके चांसलर को दी जाती है। उसके बाद पांचवें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो एरिया में सबसे बड़े देशों में से एक, जो वर्ल्ड मैप में यहाँ पर आता है। इस देश में मुख्य लीडर उनके प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में उनके प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन, ये उनकी इमेज है जो साल 2018 से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पद पर तैनात है। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार उनके प्रधानमंत्री को सालाना 3,78,415 अमेरिकी डॉलर सैलरी देती है, यानी करीब 2,82,00,000 भारतीय रुपए। इस देश में प्रति व्यक्ति GDP 51,760 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 38,00,000 रुपए। मतलब देश के लोगों से करीब 7 गुना ज्यादा सैलरी इनके प्रधानमंत्री को दी जाती है। वैसे ऑस्ट्रेलिया में मुख्य लीडर महारानी एलिजाबेथ II है, लेकिन अहम शक्तियां गवर्नर जनरल के पास है। हालांकि इस पद पर चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर महारानी गवर्नर जनरल को नियुक्त करती है और इनका वेतन प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल डेविड हर्ले है, इनकी सैलरी 4,95,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 3,70,00,000 रुपए है। उसके बाद चौथे नंबर पर है अमेरिका। तो सुपर पावर अमेरिका जो वर्ल्ड मैप में यहाँ पर आता है, इस देश में मुख्य लीडर उनके राष्ट्रपति होते हैं और वर्तमान में उनका राष्ट्रपति है जो बाइडन, ये उनकी इमेज है जो इसी साल से यानी 2021 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। तो अमेरिका की सरकार उनके राष्ट्रपति को सालाना 4,00,000 अमेरिकी डॉलर सैलरी देती है, यानी करीब 2,98,00,000 भारतीय रुपए। इस देश में प्रति व्यक्ति GDP 66,080 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 49,00,000 रुपए है। मतलब देश के लोगों से करीब 8 गुना ज्यादा सैलरी इनके राष्ट्रपति को दी जाती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो यूरोप का एक खूबसूरत देश है, जो वर्ल्ड मैप में यहाँ पर आता है। इस देश में मुख्य लीडर उनके राष्ट्रपति होते हैं और वर्तमान में उनके राष्ट्रपति है गाय पार्मेलिन, ये उनकी इमेज है जो इसी साल से यानी 2021 में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। तो स्विट्जरलैंड की सरकार उनके राष्ट्रपति को सालाना 4,82,958 अमेरिकी डॉलर सैलरी देती है, यानी करीब 3,60,00,000 भारतीय रुपए। इस देश में प्रति व्यक्ति GDP 72,390 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 53,00,000 रुपए। मतलब देश के लोगों से करीब 7 गुना ज्यादा सैलरी इनके राष्ट्रपति को दी जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है हांगकांग। हांगकांग जो हमारे एशिया का एक छोटा सा देश है, जो वर्ल्ड मैप में यहाँ पर आता है। वैसे चाइना इस पर अपना हक जता रहा है और इन हांगकांग को हड़पने की पूरी कोशिश में लगा है चाइना। इस देश में मुख्य लीडर उनके सिर्फ एग्जीक्यूटिव होते हैं और वर्तमान में उनके सिर्फ एग्जीक्यूटिव है कारी लैम, ये उनकी इमेज है। सो साल 2017 से हांगकांग की सिर्फ एग्जीक्यूटिव है। तो हांगकांग की सरकार उनके सिर्फ एग्जीक्यूटिव को सालाना 5,68,400 अमेरिकी डॉलर सैलरी देती है, यानी करीब 4,23,00,000 भारतीय रुपए। इस देश में प्रति व्यक्ति GDP 65,730 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 49,00,000 रुपए। मतलब देश के लोगों से करीब 8 गुना ज्यादा सैलरी इनके चीफ एग्जीक्यूटिव को दी जाती है। उसके बाद दुनिया में अपने लीडर को सबसे ज्यादा सैलरी देने के मामले में पहले नंबर पर है सिंगापुर। सिंगापुर जो हमारे एशिया का एक छोटा सा देश है, जो वर्ल्ड मैप में यहाँ पर आता है। इस देश में मुख्य लीडर उनके प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में उनके प्रधानमंत्री है ली सियन लुंग, ये उनकी इमेज है जो साल 2004 से सिंगापुर के प्रधानमंत्री है। तो सिंगापुर की सरकार उनके प्रधानमंत्री को सालाना 16,10,000 अमेरिकी डॉलर सैलरी देती है, यानी करीब 12,00,000 भारतीय रुपए। इस देश में प्रति व्यक्ति GDP
92,270 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 68 लाख रुपए है। मतलब देश के लोगों से करीब 13 गुना ज्यादा सैलरी इनके प्रधानमंत्री को दी जाती है। तो हमारा भारत इस लिस्ट में शामिल नहीं है। अगर बात करें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो हमारा भारत सैलरी देने के मामले में 12वें नंबर पर आता है। भारत सरकार मोदी जी को हर साल करीब 19.5 लाख सैलरी देती है। तो ये थे दुनिया के वो 10 देश जिन देशों में उनके लीडर को सबसे ज़्यादा सैलरी दी जाती है। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।